हेलो एक्सट्रीमली 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 एक्साइटेड बिट नर्वस ऑल्सो टू बी वेरी ऑनेस्ट दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम आई एम वर्किंग विथ TVF एंड या वी रियली वर्कड हार्ड ऑन दिस शो एंड हमको लग रहा है कि यार बहुत ही प्यार से बहुत अच्छा शो बनाया है. अब बस इंतज़ार है कि उस तरफ से ऑडियंस का रिएक्शन कैसा आता है एंड आई होप दे एक्चुअली लव द वे वी लव यू नो वी पोर्ड आवर हार्ट्स आउट व्हाइल मेकिंग द शो. ट्रेलर को मद्देनजर रखते हुए आपका जो किरदार है वो काफ़ी लोग का किरदार रियल लाइफ में भी होता है. मैंने जिस तरह CA का बैकग्राउंड जितना भी देखते आप अगर कुछ बताना चाहो किससे कभी मुलाकात हुई इस तरह के एक्सपीरियंस से या फिर आपने कभी रिसर्च किया ड्यूरिंग द शूट ऑफ द शूट ऑन द शूट. हाँ जी रिसर्च थोड़ा बहुत करना पड़ा बिकॉज मेरा खुद का कॉमर्स बैकग्राउंड नहीं है. सो मेरा एक नीस है जो कि CA की प्रिपरेशन कर रहा है. सो आई हैड टू सीक हिज हेल्प टू अंडरस्टैंड दी बिट ऑफ टेक्निकलिटीज दैट वर इन्वॉल्व सो दैट दोज वर्ड्स साउंड फेमिलियर एंड इट डजन लुक कि मैं उसको बस फेंक रहा हूँ. वो बातें मेरी अपनी लगें और हाँ प्रिपरेशन वही था. बाकी स्क्रिप्ट इतनी बढ़िया लिखी थी कि आपको अगर कोई एक्टर बस ईमानदारी से उन लाइनों को जज्ब करके एम्पैथी के साथ डिलीवर करे तो उसका काम हो जाएगा. काफ़ी स्टूडेंट्स से अभी मुलाकात होने वाली है. काफ़ी लोग इसमें से ही काफ़ी लोग CA की तैयारी ऑलरेडी शुरू करने वाले हैं. अगर कुछ बताना चाहो किस तरह कुछ प्रिपेयर करके हाउ यू आर गोइंग टू डील विद द स्टूडेंट्स. यार देखिए मैं जैसे मैंने कहा मैं कॉमर्स का स्टूडेंट रहा नहीं हूँ तो सिर्फ एक शो करके मैं CA की तैयारी कैसे करते हैं इसके बारे में तो आपको बोलूँगा तो ये गलत बात होगी ईमानदारी से कहूँ तो. लेकिन हाँ हर तैयारी में कुछ चीज़ें कॉमन होती हैं. ईमानदारी पहले तो वो कॉलिंग आपकी होनी चाहिए कि आप CA बनना चाहते हैं इस वजह से नहीं कि कोई और कह रहा है या फिर कोई और वजह. तो अगर आप उस प्रोफेशन से प्यार करते हैं बिल्कुल कीजिए. उसके बाद उसके अंदर जितनी भी स्ट्रगल हैं जितनी भी हार्डशिप है आपको महसूस नहीं होगी. थैंक यू सो मच. देखो सबसे पहले तो जो स्टूडियो TVF है ना वो मेरी फैमिली जैसा है और इसलिए ही नहीं कह रही हूँ लेकिन हर कोई उनके सारे ही प्रोजेक्ट पसंद करता है. वो चाहे कोई भी हो चाहे वो रूरल इंडिया में चले जाएं वो अर्बन इंडिया करें सब उनके सारे प्रोजेक्ट्स पसंद करते हैं. हाफ़ CA नाम ही सजेस्ट करता है. व्हाट इट इज़ ऑल अबाउट स्ट्रगल है CAs का क्योंकि हम लोगों ने इंजीनियर्स की लाइफ देख ली हाउसवाइफ की लाइफ देख ली CA की लाइफ भी देखना बहुत ज़रूरी है. तो इंटरेस्टिंग है ज्ञानेंद्र है आशीष है और एहसास चन्ना है. तो एहसास तो मेरी खैर काफ़ी फेवरेट है और मैंने उसके संग काम भी किया है और TVF भी मेरा फेवरेट है. और मुझे पूरी उम्मीद है जिस तरह से बाकी भी TVF के प्रोजेक्ट्स पूरी इंडिया में तहलका मचाते हैं चाहे वो गांव हो या शहर हो स्टूडेंट्स हो यंग जनरेशन हो या फिर हाउसवाइफ हो हर कोई उनका काम पसंद करता है. ये भी रॉकिंग होगा. थैंक यू. और ठीक है. हाय हम जी थैंक यू. ओह यस यस. I am very very excited. I think Ehsaas is a very 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 good actor and I've known her since my childhood. We were both child actors and I remember even like going to auditions wherein she was there I was there and she was always known as one of the best actors and I think that
in half CA also she's just going to kill it as she's always been doing. So yes, I'm here to just watch the show and congratulate her. मुझे एक्चुअली मैंने देखा नहीं है पूरा ट्रेलर बिकॉज आई वॉज जस्ट रशिंग फ्रॉम समवेयर एंड आई वॉज नॉट श्योर इफ आई वॉज एबल टू मेक इट और नॉट बिकॉज एक और कमिटमेंट था बट आई एम हियर बट आई थिंक आई एम जस्ट गोना गो एंड वॉच द शो डायरेक्टली. Yes, no, it's sort of a conscious decision only, but jaldi kuch na kuch zarur. I was in talks for something, but that's not happening, but I'm in talks for a lot of other things, and let's see, fingers crossed, you'll see me back soon. Yes, I hope so. Thank you. So even I'm waiting. Of course, bahut miss karti hu. I think, you know, on set rehna is something that is an actor's daily job, and I feel like I really miss that, and most importantly the team. I miss the whole team. But yes, I'm waiting to be on another set, and yeah, that's it. हाँ जी, वो मेरे बिल्डिंग में ही रहती हैं, so yes. Done. Thank you so much. Thank you. आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा. फिर नेक्स्ट. हाँ, एक्चुअली मैंने ट्रेलर नहीं देखा है. मैं क्या करती हूँ ना, जब कोई ऐसे दोस्त या इंडस्ट्री वाले स्क्रीनिंग के लिए बुलाते हैं, मैं एक्चुअली ट्रेलर नहीं देखती हूँ बिकॉज आई लाइक टू गो इन टू द स्क्रीनिंग विदाउट नोइंग एनीथिंग अबाउट इट. लाइक फॉर एग्जाम्पल, आई नो आई एम हियर बिकॉज इट्स TVF एंड इट्स एहसास, राइट? और मैंने अभी एहसास से पूछा, सिर्फ बताओ यार हाफ सी ए शो क्या है. तो एहसास ने बताया इट्स अबाउट यू नो द मेंटल कॉन्वर्जेशन बिटवीन अ स्मॉल टाउन गर्ल हू कम्स टू मुंबई टू बिकम अ सी ए. और मैंने खुद अकाउंट्स पढ़ी है यार, और यूजुअली क्या होता है ना, जब अकाउंट्स करते हैं, जब अकाउंट्स पढ़ते हैं तो ऑटोमेटिकली सी ए ऐसे करने का ऐसा फीलिंग आता है लोगों के दिल में. मेरे दिल में कभी ऐसी फीलिंग नहीं आई, क्योंकि मुझे कभी लगा नहीं है मैं इतनी इंटेलिजेंट हूँ लाइफ में. मतलब कई साल निकल जाते हैं यार सीए का एग्ज़ाम देते हुए लोगों को. तो इस कहानी को सुनाना बहुत इम्पॉर्टेंट है. एंड हम लोग ये इवेंट आज एक कॉलेज में कर रहे हैं, मितिभाई कॉलेज. और आज तो हम जानते भी हैं कि एजुकेशन में कितने प्रेशर्स हैं, और उस प्रेशर से ऊपर बने रहना कितना इम्पॉर्टेंट है. तो ऐसी कहानियाँ बनना ज़रूरी है. सो दैट इज़ वाई आई थिंक दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट स्टोरी टू टेल. और TVF तो बहुत अच्छी कहानियाँ बताता है. We are number one, guys. Yes. Number one. I love it. हम बहुत बहुत excited हैं. As a whole team, we are so excited. हम लोग एक दूसरे को phone करके एक दूसरे को congratulate करते हैं. In fact, एहसास चन्ना की जो मम्मा हैं वो the trial में हैं, तो मैंने उनको तो अभी double congratulations दिया. एक तो हमारा show number one पे है, अभी एहसास का show release हो रहा है, तो अच्छी बात है. Thank you so much. मैंने कितना अच्छा answer दिया ना. चलो, very. As usual. Thank you. हाँ जी, हाँ देखा देखा, अच्छा है. अच्छा है, एजुकेशन पे है, इससे अच्छी बात क्या होगी. छोटी जगहों से लोग कैसे निकल के आते हैं, लोगों को पता लगना चाहिए कि हम लोग कैसे
छोटी जगहों से निकल के अपनी मेहनत से मुकाम बनाने की कोशिश करते हैं। हाँ, होती है, गलतियाँ होती हैं, कई बार आप टैलेंटेड होते हो, सब कुछ होता है, लेकिन नहीं होता है। इसीलिए मैं TVF को ज़्यादा थैंक यू बोलूँगा, क्योंकि उन्होंने इस तरह के प्रोग्राम्स को अपग्रेड किया है, अलग अलग वेरिएशन में लेके आए हैं। पहले उन्होंने अलग लेवल पे लेके आए, अब अलग लेवल पे कोटा फैक्ट्री, बच्चों के क्या फ्रस्ट्रेशन होते हैं, उनके क्या एम्स होते हैं, जब अचीव नहीं कर पाते तो किस तरह का फ्रस्ट्रेशन होता है, ये सारी चीज़ें आम ऑडियंस तक पहुँच पाती हैं। मैं थैंक यू बोलूँगा TVF को, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने मुझे भी कंसिडर किया अपने इस प्रोग्राम के लिए, तो थैंक यू TVF। देखो, जीवन तो हर आदमी का अपना है, जितने यहाँ पे लोग पीछे भी खड़े हुए हैं कैमरा के पीछे, इनका भी अपना एक जीवन है। चाहे कुछ DOP बन जाते हैं, कुछ कैमरा अभी स्ट्रगल पीरियड पे होते हैं, कुछ अभी अब एक्सपीरियंस गेन कर रहे होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आज जहाँ पे मैं खड़ा हूँ ये नहीं हो सकते, ये भी यहाँ पे हो सकते हैं, ये भी इंटरव्यू दे सकते हैं। तो और क्या कहना चाहते हैं बताओ? एस्पिरेंट तो बहुत है, मैं तो खुद ही ऐसी जगह से निकल के आया हूँ, मैं, मेरा खुद का फेलियर रहा है 5 बार, जहाँ से मैं एक्टिंग की लाइन में जब आना चाह रहा था तो मेरा भी, मैं भी छोटी जगह हूँ, गांव देहात से उठ के आया था, तो यहाँ पे एक ही जगह थी जहाँ पे हम जाके अपने आप को परस्यू कर सकते थे, जिसका नाम है नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। लेकिन वहाँ सीट्स जो हैं बहुत रिजर्व रहती हैं, ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर एशिया से सिर्फ 20 लोगों को लेते हैं वो लोग। तो इतना टैलेंट है हमारे हिंदुस्तान में, तो ज़रूरी नहीं है कि उन 20 में हमारा नाम आ जाए, तो उसके लिए मुझे भी मेहनत करनी पड़ी, 5 साल लगे मुझे भी वहाँ तक पहुँचने के लिए, लेकिन मैं भी लगा रहा। तो वही है, मैं सबको यही सलाह देता हूँ कि फेलियर से डरना नहीं है, फेलियर ही हमारी पावर है, फेलियर से ही हम लोग आगे बढ़ते हैं। थैंक यू सो मच। कौन ज्ञानी नाम का जो इसमें एक्टर है शो में, बहुत अच्छा है, इज क्रेजी और एहसास भी। I am very excited because my best friend is in it, so I am super pumped and I cannot wait to see everybody's hard work on the screen because I'm so sure trailer dekhi mujhe bahut acha laga, so I'm very excited. Yes. So I've obviously TVF ko kaun nahi janta hai, and unka kaam bhi itna amazing hota hai, so obviously looking very much forward to this. And Ehsaas is also a friend, so wishing her all the very best. Very excited to see her. And but yeah, looking forward. Is there any best part that you liked about the trailer? Any particular scene or? I think it's
इट्स ऑलवेज द कॉन्सेप्ट. जब भी ये जो भी स्टोरीज है काफ़ी रिलेटेबल बनाते हैं तो दैट्स ऑटोमेटिकली यू फील लाइक वॉचिंग. सो आई थिंक दैट्स वन ऑफ द USPs ऑफ शोज दैट TVF मेक्स मोस्टली. एंड या लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग कि इस बार उन्होंने क्या किया है. Yes, yes. I've shot for 3 films actually. So most of them will be coming out soon. Possibly in the next 4-5 months. And मैंने 2 mini series भी shoot किए हैं. So yeah, looking forward. सब कुछ एक अलग आपको एक अलग रंग में देखने मिलेगा. My characters are different. I'm also excited, but I'm nervous also. So, yeah. Anything like coming up like as a childhood, we all have seen the you and Amir sir performing together. Anything would you like to perform once again with Amir sir? Of course, who wouldn't, yaar? I mean, उनके साथ काम करना मतलब एट दैट एज आई वॉज वेरी लकी. एंड मैं तभी कुछ समझ नहीं पाया था लेकिन आज तक मेरी लाइफ में उस एक्सपीरियंस ने मुझे हेल्प किया है. एंड ऑफकोर्स एट दिस एज इफ आई गेट द अपॉर्चुनिटी टू वर्क विथ हिम इट विल बी क्रेजी बिकॉज आई वुड गेट टू सी इट इन अ होल न्यू पर्सपेक्टिव. सो या लुकिंग फॉरवर्ड, फिंगर्स क्रॉस्ड. थैंक यू. थैंक यू. Hello. So firstly, tell us something about the trailer. I have seen the trailer and I'm very excited for this show because I have a lot of friends in it. It's SRS's first lead show, so I'm very, very, very happy for her. There's a friend of mine, Rohan, in it. Preet is also there, and I know a lot of people in TVF. So I wish them all the best because I know so many friends of mine who've become CA. And who were trying to be CA, who are aspirants. So I just want to see their journey. Because I have seen first hand live. Now I will see the show with drama. So I'm really excited for it. Yes. TVF or Amazon Mini TV? We talk about this kind of project. We talk about aspirants, Sandeep Bhai, and now. Correct. Tell us how do you see this kind of project? Because it is very important for society to learn about. 100%. It's for every student to watch it. It's always inspiring. It's making generations aware of the struggles. It's inspiring generations. It's making them realize that it's not easy, and it's also motivating them to do more. So I'm very thankful to them. And you know, student kind of shows are something which are very close because I've also done like a few of them. And I really like watching them because it's an eye opener. You get to learn so much that you wouldn't even know about it. So I'm really happy, and Amazon Mini and TVF always come up with like insane stuff, and I'm really hoping that this also breaks the barrier and becomes a super hit. Lastly, in fact, Kachalipu was also very inspiring. Tell us something about the success of Kachalipu, especially your character. I love it. Thank you so much. I'm really fortunate and I'm really happy that I've got so much love for my first film, which is Kachalimbu. And that film also talks about coming of age of 3 youngsters. And you know, it talks about a lot of things. It inspires you in a lot of ways. So I'm really happy that my first film did very well. So thank you so much. And I hope you all enjoy Half CA. Aaj unka din hai. So all the best to Amazon Mini and TVF. Thank you. Hey, hello.